कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आपके सामने अब दो चीजें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए है उसको बचाएं। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? जो एनटीए, जो शिक्षा मंत्रालय एक पेपर ढंग से नहीं करा सकता, तो उसकी क्रेडिबिलिटी में इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूजी रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। यूजीसी नेट अब नए सिरे से आयोजित कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला गृह मंत्रालय से परीक्षा में धांधली के इनपुट मिलने के बाद लिया है। हालांकि इसको लेकर छात्रों में रोष है। इस बीच एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 24 लाख छात्र आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में, आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहे हैं, साथ में एनएसवाई के साथ ही भी गुहार लगा रहे थे न्याय की। और जिस तरीके से नेट का पेपर, आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, मैं फिर वही मांग करता हूँ कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी अब प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आपके सामने अब दो चीज़ें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए है उसको बचाएं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान जी ही जो पेपर लीक की धांधली का ये जो व्यापार शुरू करा एनटीए ने, इसमें खुद शामिल है। हमने 24 तारीख को तो संसद घेराव करा था, उसमें अब हम नेट के जो हमारे विद्यार्थी थे उनको भी हम अपील करेंगे कि वो आएँ, और साथ के साथ कल भी हम प्रदर्शन करेंगे। 21 तारीख को देश भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो कैंपसेज हैं पूरे देश में, लगभग हमने 300 कैंपसेज करें आइडेंटिफाई, उन 300 कैंपसेज में प्रोटेस्ट होगा। और 24 तारीख को जो पहला दिन है संसद का, जब वहाँ शपथ ग्रहण भी चलेगा नए सांसदों का, उस दिन हम छात्र संसद घेराव करेंगे, जिसमें हम नीट के छात्रों की न्याय के लिए गुहार लगाएंगे और नेट की जो है धांधली हुई है। और आप देखेंगे बहुत कॉमन पैटर्न बन गया है, जो एनटीए, जो शिक्षा मंत्रालय एक पेपर ढंग से नहीं करा सकता, तो उसकी क्रेडिबिलिटी में इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देश के तमाम जो छात्र हैं, आपको पता है देश में 60% युवा लोग हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये जितने भी अब एग्जाम्स हो रहे हैं उसको धांधली को देखते हुए उनका मनोबल टूट रहा है। तो इस देश के युवाओं के, छात्रों के मनोबल को टूटने ना नहीं देना चाहिए सरकार को। इससे पहले नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट में धांधली को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। छात्र एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।